आज का जो टॉपिक मैंने तैयार किया है वह है संस्कृति, कल्चर। इसको हम तीन भागों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। पहला, संस्कृति का अर्थ। दूसरा, संस्कृति के तत्व। और तीसरा, संस्कृति की विशेषता। संस्कृति मानव जीवन की सबसे अनोखी घटना है। मानव की सबसे बड़ी संपत्ति संस्कृति ही है। यदि मनुष्य उसकी संस्कृति छीन ली जाए, तब उसके पास जो कुछ बचेगा वह एक बंदर से अधिक कुछ नहीं होगा। इसीलिए मार्कस ग्रेवी ने लिखा है, ए पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। अर्थात यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति को छीन लिया जाएगा तो वह एक सूखे पेड़ से अधिक कुछ नहीं दिखाई देगा। संस्कृति ही मनुष्य को पशु समाज से अलग करती है और उसे सामाजिक प्राणी बनाती है। अपनी सामाजिक, आर्थिक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का आविष्कार किया, वे सभी वस्तुएं संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। हर्स कोविट्स ने लिखा है कि कल्चर इज द मैन मेड पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अर्थात संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, जिसे मनुष्य ने स्वयं ही निर्मित किया है, संचित किया है और अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता हुआ संस्कृति को निरंतरता प्रदान करा है। इसलिए संस्कृति एक लक्षणिक मीन सिंबल है, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद की पूर्ति करने वाली वह व्यवस्था है, जिसे मनुष्य ने अपनी बुद्धि से निर्मित किया है और अपनी इस विरासत को भाषा के माध्यम से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है, ताकि संस्कृति प्रगति कर सके। कल्चर इज द सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीफ, वैल्यू, कस्टम्स, बिहेवियर एंड आर्टिफैक्ट्स दैट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी यूज टू कोप विद देयर वर्ल्ड एंड विद वन अनदर एंड दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू लर्निंग। टाइलर ने अपनी परिभाषा लिखते हुए कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी अन्य क्षमताएं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस तरह हमने अभी जो परिभाषा देखी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति के निम्न सात मुख्य तत्व होते हैं, जो संस्कृति को अंतर्गत समाविष्ट रहते हैं। पहला, सामाजिक संगठन। दूसरा, प्रथा एवं परंपरा। तीसरा, भाषा। चौथा, सरकार का स्वरूप। पांचवा, धर्म। छठवा, कला एवं साहित्य। और सातवा, आर्थिक व्यवस्था। तो हम पाते हैं कि सामाजिक संगठन हर क्षेत्र का, हर देश का अलग अलग होता है। भारत का सामाजिक संगठन हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल है
और सामाजिक संगठन के अंतर्गत जो मुख्य संस्था है, जो कि सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती है, वह है परिवार। तो भारतीय परिवार हम देखते हैं कि चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त परिवारों का अधिक पाए जाते हैं। यहाँ जो परिवार का स्वरूप है वो संयुक्त परिवार है। वर्तमान समय में यद्यपि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, इसलिए हम देखते हैं न्यूक्लियर परिवार भी अब हमें दिखाई देने लगे हैं। दूसरा जो है प्रथा एवं परंपरा। जैसा हमने पहले ही देखा कि भारत एक परंपरात्मक समाज है, यहाँ के समाज के अंतर्गत अनेक नैतिक धार्मिक संस्थाओं का एक संगठन बना हुआ है, जो कि मनुष्य के सामाजिक जीवन को निर्देशित करती है, उसको नियंत्रित करती है और समाज की संगठन को बनाए रखने में योगदान देती है। फिर आते हैं भाषा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने भाषा को जन्म दिया, क्योंकि ईश्वर के द्वारा मनुष्य को कुछ शारीरिक विशेषताएं प्राप्त हैं जो कि पशु समाज को प्राप्त नहीं है। तो भाषा का जन्म देकर उसने अपनी जो संस्कृति है, जो उसकी धरोहर है, उसको वो सरलता से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है और हर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के अनुभव और उनके विचारों के आधार पर संस्कृति को आगे बढ़ाती है। फिर हम देखते हैं सरकार का स्वरूप। सरकार का स्वरूप हर देश में हम देखते हैं अलग अलग होता है। भारत में हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था है और इधर हम देखते हैं हर 5 साल में समाज के सदस्यों को ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है कि वो अपनी सरकार का चुनाव करें और सरकार इसके बदले में उनकी सुरक्षा की गारंटी लेती है। फिर हम देखते हैं धर्म। धर्म जो है वो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और धर्म भारत में हम देखते हैं कि धर्म क्योंकि अनेक धर्म संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, इधर पर धर्म जो है कई प्रकार के धार्मिक संस्थाएं, धर्म का जो स्वरूप है उसमें हमें विभिन्नता दिखाई देती है। फिर आता है कला और साहित्य। कला और साहित्य, जैसा हमने पहले ही परिभाषा में देखा कि मनुष्य की कलात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, उन कलात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को हम कला और साहित्य के द्वारा पूरी करते हैं। हर देश का हर क्षेत्र की कला, वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण होता है उसके आधार पर क्या होती है, गतिशील होती है, उसका स्वरूप निर्मित होता है। तीसरा जो है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है कि वहाँ की जो आयात निर्यात की व्यवस्था है, वहाँ क्षेत्र का जो बाजार है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से मुद्रा का वहाँ पर रूप है, ये हम आर्थिक आधार के अंतर्गत पाते। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर जो मैंने आप लोगों को 7 एलिमेंट्स 7 तत्व स्पष्ट किए हैं, वे ही सब मिलकर कल्चर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे, सांस्कृति की विशेषता। पहला जो है सांस्कृति की विशेषता, वो संस्कृति मानव समाज की उपज है। कल्चर इज द ह्यूमन प्रोड्यूस। पहले ही हमने देखा कि मनुष्य के पास उसकी एक संस्कृति है जिसका निर्माता वो स्वयं है, उसी ने संस्कृति को जन्म दिया है और यह उसकी अंतर क्रियाओं का परिणाम है। तो कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। मनुष्य ने संस्कृति को जन्म दिया है और उसको वो ग्रहण करता है, साथ ही उसको आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है ताकि वो आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके। यही कारण है कि मानव को सुपर ऑर्गेनिक कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ए लर्न बिहेवियर। संस्कृति
व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति तथा जीवी की विरासत नहीं होती है, उसे जन्म से ये प्राप्त नहीं होती है, बल्कि जिस संस्कृति में वो जन्म लेता है उससे वह उसमें सीखता है। व्यक्ति के भाषा व प्रतीकों के माध्यम से विचारों में आदान प्रदान होता है और इस आदान प्रदान के द्वारा अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति को अपने व्यक्तित्व में निहित करता है। इस प्रकार समाज के द्वारा मानव अनुभव व प्रत्येक आविष्कार संस्कृति का अंग बन जाते हैं। इधर यह ध्यान देना अनिवार्य है कि सभी सीखे हुए व्यवहार संस्कृति नहीं होते, वे ही व्यवहार संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार में ग्रहण करते हैं, अपने व्यवहार में उनको समाहित करते हैं, क्योंकि समाज उन्हें अच्छा मानता है, सामाजिक संगठन के लिए वो अनिवार्य माने जाते हैं। तीसरी जो विशेषता है, हस्तांतरणकरण की विशेषता, द ट्रांसमिटिव फीचर। कल्चर जो है, हमने आरंभ से हम कह रहे हैं कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार ही नहीं है, बल्कि इसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलाता चला जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वह हस्तांतरित की जाती है। व्यक्ति अपनी महान कार्यों को ज्ञान, कला, परंपरा आदि के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है ताकि आने वाली पीढ़ी उसको आगे बढ़ा सके। फिर हम देखते हैं संस्कृति जो है वो उसमें भिन्नता पाई जाती है। संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है, इसका अर्थ ये है कि हर समाज में हम देखते हैं कि संस्कृति की भिन्नता का कारण भौगोलिक पर्यावरण में भिन्नता का होना है। व्यक्ति अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है, अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान उसकी कुछ सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें वह अपने वातावरण से अनुकूलन कर उसे पूरा करना चाहता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ यहाँ ये नहीं है कि भौगोलिक पर्यावरण ही संस्कृति का निर्धारण करता है। भौगोलिक पर्यावरण केवल कच्चा माल प्रदान करता है जिससे संस्कृति का स्वरूप जो होता है वो निर्धारित होता है। कि अब हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में भारत एक बड़ा काफ़ी विशाल देश है और इस कारण हम देखते हैं कि यहाँ हर क्षेत्र का जो भौगोलिक पर्यावरण है वो भिन्न भिन्न है और इसलिए उस भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर हर क्षेत्र में हमें सांस्कृतिक जो तत्व हैं, जो सांस्कृतिक गुण हैं, उनमें भिन्नता दिखाई देती है। उत्तर में कुछ लोगों का रहन सहन, पहनावा, उनकी भाषा जो है वो अलग अलग होती है। उसी प्रकार से जब हम दक्षिण में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण है उस पर्यावरण के अनुसार वहाँ की जो पहनावा है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो साहित्य है, जो कला है, उसमें हमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है। किंतु फिर भी हम देखते हैं भारत में इस विभिन्नता के साथ साथ एकता का भी हमें मिश्रण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृति में हमें भिन्नता दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि संस्कृति जो है मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसीलिए वो संस्कृति का क्या बनी हुई है, अंग बनी हुई है। कल्चर इज द फुलफिल ऑफ फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो प्रत्येक संस्कृति का जो छोटा एक रूढ़ी है, एक प्रथा है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यद्यपि दिखाई देता है कि इतनी प्रथाएं हैं, इतनी रूढ़ियां हैं जो संस्कृति का निर्माण करती हैं, वो संस्कृति जैसे इस विशाल काय तथ्य के आगे उनका कुछ भी अधिक महत्व नहीं है, किंतु यदि हम देखें तो प्रत्येक रूढ़ी, प्रत्येक प्रथा, छोटी से छोटी जो परंपरा है उसका भी संस्कृति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि हम एक साइकिल को यदि ले लें तो साइकिल में एक छोटा सा नट यदि
कहीं का निकल जाता है तो साइकिल आवाज करने लगती है। उसका जो चाल है उसमें हमें पूर्णता दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कल्चर संस्कृति के अंतर्गत जो छोटे छोटे सी परंपराएं हैं उन परंपराओं का भी पूरा महत्व है। इधर मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि विवाह के समय हम देखते हैं कि 3-4 दिन तक छोटी छोटी परंपराओं का क्या किया जाता है, वो पूरा किया जाता है विधिवत रूप से। तब कहीं हम देखते हैं कि 3-4 दिन के बाद विवाह संस्था जो होती है वो पूरी होती है। यदि किसी भी एक परंपरा का उसमें पालन नहीं किया गया तो विवाह जो होता है उसे अवैध माना जाता है। इस प्रकार से हर छोटी छोटी सी परंपरा जो है वो समाज में संस्कृति का अंग है, और संस्कृति को जो पूर्णता प्रदान करती है वो छोटे छोटे से जो खंड हैं ये मिलकर एक संस्कृति को अपना स्वरूप उसकी सुंदरता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं संस्कृति गतिशील प्रवृत्ति होती है, डायनेमिक नेचर होता है। जैसा कि हमने देखा है कि संस्कृति कभी स्थिर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि समाज ही जो है वो स्थिर नहीं है, समाज गतिशील है और समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और जब समाज के ढांचे में परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव संस्कृति पर पड़ता है। समय के साथ साथ संस्कृति अपने वातावरण से अनुकूलन करती है और नई प्रथाओं का जन्म होता है। पुरानी प्रथाएं जो रूढ़ियां हैं यदि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं तो वो अंधेरे में क्या होती हैं, गुम हो जाती हैं, और नई रूढ़ियां, नई प्रथाएं, नए नैतिक आचार जो होते हैं वो समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर हम देखते हैं संस्कृति आदर्शात्मक होती है। कल्चर जो होता है वो आइडियल होता है, हर व्यक्ति के लिए उसका कल्चर जो है वो उसे आदर्श स्वरूप मानता है, क्योंकि वो उसकी किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और चूंकि वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है इसीलिए व्यक्ति ने उसे अपने जीवन में क्या किया है, ग्रहण किया है। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति वो इन रूढ़ियों और प्रथाओं के द्वारा करता है। यदि कोई व्यक्ति हमारी भारतीय संस्कृति को, यदि कोई विदेशी व्यक्ति कहे कि ये अच्छी भारतीय संस्कृति, जैसे विदेशी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो ट्रेडिशनल है, हमारी संस्कृति जो है वो मॉडर्न संस्कृति है, तो हम इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं। हमारी संस्कृति हमारे लिए क्या होती है, आदर्श होती है, क्योंकि हमने अब उसके सभी व्यवहार प्रतिमानों को अपने में निहित किया है। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृति जो होती है वो आदर्श, प्रत्येक समाज के लिए संस्कृति आदर्शात्मक होती है। यदि मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूं कि धर्म, जैसे भारत में हम देखते हैं कई प्रकार के धर्म मानने वाले संप्रदाय हैं, तो एक संप्रदाय यदि दूसरे संप्रदाय को किसी प्रकार से गलत कहता है तो समाज में हम देखते हैं कई प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन होने लगते हैं। इनका कारण ही यही है कि हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति एक आदर्श आत्मक चरित्र उसके जीवन में बना रहता है। फिर लास्ट जो है संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है, कल्चर पजेस एंड सोशल क्वालिटी। माने कल्चर जो है वो सामाजिक है। सामाजिकता का अर्थ ये है कि वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की धरोहर नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के जो रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको ग्रहण कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब इधर हम भौतिक संस्कृति के अंतर्गत देख सकते हैं कि शुरू शुरू में जब 21वीं शताब्दी में मोबाइल आया तो केवल बड़े बड़े लोग उसका यूज करते थे, परंतु आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और वो उसका यूज करता है, क्योंकि वो संस्कृति का अंग है और इसलिए किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार संस्कृति जो होती है वो व्यक्ति से ऊपर होती है और इसलिए हर व्यक्ति का अपनी संस्कृति पर अधिकार होता है। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।